महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपोजिशन अलायंस हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेगा। बानी पीटीआई ने रवाबित और मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी चेयरमैन ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि तीन बड़ी सियासी पार्टियाँ जो मैंडेट चोर हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अपोजिशन अलायंस का हुकूमत से राबते का फैसला, बानी पीटीआई का महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई की सरबराही में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से राबता किया जाएगा। बानी पीटीआई ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। क्यूआर तय करके तीनों हुकूमती जमातों से रवाबित और मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के लिए अलायंस में मौजूद हर पार्टी से एक एक नुमाइंदा शामिल किया जाएगा। महमूद अचकज़ई पीटीआई से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद मिलेंगे। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि बानी पीटीआई ने वाज़े कहा है कि मैंडेट चोर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से बात नहीं होगी। एक कंट्रोवर्सी जो के मीडिया पर चल रही थी रिगार्डिंग के पीटीआई जो है वो तीन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो मैंडेट चोर हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है, तो इस सिलसिले में खान साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में बताया है हमें कि इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। ईद के बाद महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान में मुलाकात होगी। अलायंस के मुज़ाकराती अमल को बानी पीटीआई की मुकम्मल हमायत हासिल।